अब मौसमी की बारी है, ये देखिए। ये क्या भाई साहब? आम का जूस। हाय हाय हाय, ये क्या जा रहा भाई साहब? रबड़ी। अब रबड़ी की बारी है भाई, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल खवातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ पे आपको नमकीन मिल जाएगी, मिठाई मिल जाएगी, आपको आइसक्रीम मिल जाएगी, ए टू जेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज हम लोग आए हैं जोदाना स्वीट रेस्टोरेंट के नाम से। आपने देखा होगा कि हमने इनका पहले भी वीडियो पाली में बनाया था। अभी फिलहाल हम लोग इनके जोधपुर वाली ब्रांच में हैं और हम लोग आपको पूरा दिखाएंगे। हमारे साथ में यहाँ के जो मैनेजर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं आप, दीपक जी हैं। दीपक जी हमको पूरा गाइड कराएंगे। दीपक जी, तो दीपक जी हमको पूरा गाइड कराएंगे। कैसे भाई साहब, सब ठीक है? आज हम लोग आपके यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले अपन बाहर के काउंटर से चालू करते हैं। बताओ बस, आ जाओ साहब। ये देखो गर्मा गर्म यहाँ पे ये आलू की टिक्की बन रही है। क्या बात है, ये प्योर देसी घी में बना रहे हो भाई साहब? हाँ देखो, ऐसी गर्मा गर्म खुशबू आ रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये अच्छा, और ये यहाँ पे भाई साहब ये पाव भाजी मिल जाएगी आपको। ये पूरा लाइव काउंटर है। यहाँ पे छोले कुलचे भी मिल जाएंगे भाई साहब, क्या बात है। और यहाँ पे क्या है, ये काउंटर क्या है? ये सैंडविच का है। देखिए ये जंबो साइज का ब्रेड में सैंडविच बना रहे हैं। ये कौन सा वाला है भाई साहब? ये वेज ग्रिल सैंडविच है। अच्छा क्या बात है। और यहाँ पे क्या बना रहे भाई साहब? ये चाइनीज मोमो सब कुछ अपने यहाँ पे, क्या बात है यार। यहाँ पे क्या बना रहे भाई साहब? साउथ इंडियन, मतलब चाइनीज मिल जाएगा आपको, साउथ इंडियन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मिठाई मिल जाएगी, आइसक्रीम मिल जाएगी, मतलब सब कुछ चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। फास्ट फूड से लेके मिठाई, मतलब मिठाई बहुत सारी है, नमकीन बहुत सारी इनके पास में। पहले आपको, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। देखिए ये मोमोज ही फ्राई कर रहे हैं। देखिए फ्राई कितने टाइप के मोमोज मिलते हैं अपने यहाँ पे? चार पांच टाइप के मिलते हैं। देखिए मोमोज फ्राई हो रहे हैं अभी अभी। आप कौन सा बना रहे हैं? वेज मोमोज बना रहे हैं। और उधर क्या भाई साहब, ये पनीर टिक्का ग्रिल हो रहा है क्या? हाँ हाँ, क्या बात है। सोया चाप भी मिल जाएगी यहाँ पे, ये देखिए पूरा इनका लाइव काउंटर है। एक में जो स्पेशली यहाँ पे खाने के लिए आया हूँ, वो हम लोग इनकी रोलर कोस्टर जो आइसक्रीम है वो हम लोग ट्राई करेंगे। फिलहाल मैं आपको, मुझे लग रहा है कि 5-10 मिनट तो इनकी रेस्टोरेंट शो करने में चला जाएगा। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी इनकी रेस्टोरेंट है और 5-10 मिनट तो उसी में चले जाएंगे दीपक जी। नहीं अब वो रोलर कोस्टर आइसक्रीम वो दिखा दें एक बार। आ जा, ये देखिए। हाँ ये भी देख लें, ये देखिए ये इनका चाट का पूरा सेक्शन है। आपको पानी पताशे मिल जाएंगे, राज कचौरी भी इनके पास में है। ये क्या है? कटोरी चाट है। अच्छा ये व्हाइट वाली कैसे है, किसमें बनी हुई है? किसमें बनेगी? अच्छा स्प्राउट में बनेगी पूरी। हाँ चलो, ये देखिए हम लोगों के इनका ये भी ट्राई करना। गर्मा गर्म जलेबी बन रही यार। नहीं ये क्या बना रहे भाई साहब? इमरती, इमरती की साइज देखो यार, क्या बात है। ये देखो ऐसे चल, क्या क्या कहते हैं जयपुर के साइड में? कंकर कहते हैं, कंगन ही तो कह रहा हूँ, कंगन। और यहाँ जबरदस्त जलेबी बना रहा भाई साहब यार, देखो और कितना हैवी है माशाल्लाह। सब कुछ गर्मा गर्म बना रहे हैं। हाँ जोश के साथ बनाओ भाई। मिठाई आपको बता दी मैंने, अब बारी इनके रोलर कोस्टर आइसक्रीम की। देखो यार भाई साहब, ये आपकी फेमस रोलर कोस्टर आइसक्रीम है। इसके अंदर बर्फ है होता हुआ ना, कितने टाइप के पका है आपके पास? सब मिक्स फ्रूट करेंगे आ गए। और यहाँ पे आपको सब मिठाई वठाई सब मिल जाएगी, और उसके अलावा भी नमकीन भी इनके पास है, मतलब ए टू जेड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये और ये क्या करें भाई साहब, ये आइसक्रीम है। ये कौन सी आइसक्रीम है? मैंगो आइसक्रीम है। कहाँ है दीपक जी? ओ दीपक साहब, पूरा जो मैंगो है उसके छिलके हम लोग निकाल लेंगे। और पूरा स्टफ है देखो, ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ पे जोधाना स्वीट्स पाना पड़ेगा, जो कि लोकेशन आपको पूरी बताता हूँ बास्टी से। ज़्यादातर कस्टमरों को इसकी रिम की वजह से ही पता चला। वो तो फिर ये सोशल मीडिया का ना, दो पढ़ दो, आज के टाइम उसी का ही है।
ये देखिए पूरी स्टफ है यार, क्या बात है। ऐसा है कैसा, इनके पास एप्पल भी हो जाएगा और ऑरेंज भी हो जाएगी। ये देखिए जबरदस्त यार, ये 120 रुपए की है जो कि आपको सिर्फ यही मिलेगी। नहीं ये देखो क्या बात है। चलो अब बारी है एप्पल की। ये देखिए ये एप्पल में भी इन्होंने एप्पल में भी आइसक्रीम स्टफ की है। और देखिए और सारे जो फ्रूट्स हैं वो सब असली फ्रूट्स हैं, मतलब एकदम नेचुरल जो फ्रूट्स आते हैं वो है, उसके अंदर से इन्होंने स्टफिंग करके एप्पल की आइसक्रीम बनाई है। देखिए ये दोनों हमारी रेडी। चलिए इसको ट्राई करके पूरी आइसक्रीम तैयार की है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। वाकई में यार जबरदस्त, मतलब ये कौन से आम में बनी आपने, हाफुस में? हाँ गजब यार, ये हाफुस में बनी हुई है। अल्फोंसो मैंगोज जो आते हैं और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी मैंगो की होती है वो इन्होंने यूज की है, और अंदर उन्होंने रबड़ी के साथ मैंगो का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात आइसक्रीम खाने का मजा क्या आता है जब थोड़ी बहुत पिघल जाए, ये थोड़ी बहुत पिघल गई है। चलो इसको फिर से ट्राई करते हैं। अब बारी है एप्पल वाली, देखिए इसको ट्राई करते हैं। ये कितने वाले हो भैया, ये कितने के हो? ये 100 रुपये से। ये भी जबरदस्त है, लेकिन जो मैंगो की बात है ना वो तो और ही है। वो मैंगो की जो है वो है 120 रुपये की, और ये आपको 100 रुपये की पड़ेगी। ये 100 रुपये एल्फोंसो मैंगो के साथ में जो आइसक्रीम है ना वाकई में जबरदस्त लग रही है। चलिए पूरा खत्म करते हैं, उसके बाद इनका जो काउंटर वो दिखाएंगे और फिर हम लोग बाहर का कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे और फिर हम लोग वीडियो खत्म करेंगे। यहाँ पे आपको ये मावा की कचौरी भी मिल जाएगी, रबड़ी के लड्डू मिल जाएंगे, मोतीचूर के लड्डू मिल जाएंगे। क्या बात है यार, मावी कुछ हाँ, ये कौन सी वाली भाई साहब, ये मावा वाली अच्छा छोटी वाली रहेगी। ये कितने की पड़ती है भाई साहब ये वाली? एक मिनट भाई साहब ना हाँ। और ये यहाँ पे ये जो बाइट्स वाला बहुत ज़्यादा चल रहा है ना वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए आपको यहाँ पे बकलावा भी मिल जाएगा यार, क्या बात है, सब कुछ बाइट्स वगैरह हाँ हाँ सारे मिल जाएंगे आपको, ए टू जेड सारी चीज़ मिल जाएगी। अब ये भाई साहब ने आप हमारे लिए घेवर भी तैयार किया, घेवर देखते हैं हम लोग। ये देखिए घेवर तैयार कर रहे हैं भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। ये देखिए ऊपर ड्राई फ्रूट ये जूस कर रहे हैं। ये देखिए शक्ल तो कैसे आएगी यहाँ, ये देखिए भाई साहब हाँ, तो भाई साहब की शक्ल भी आ गई और साथ में भाई साहब अपनी सर्विस भी कर रहे हैं हमको, जबरदस्त घेवर बना के बता रहे हैं। देखिए ऊपर उन्होंने रबड़ी डाल दी है, साथ साथ में जो ड्राई फ्रूट की जो कटिंग होती है वो भी इन्होंने यूज की है। ये देखिए ये कितने का भाई साहब अपने यहाँ पे? साढ़े 400 के आसपास है, और कम होगा। ये नीचे देखो ना भाई साहब कैसे जो माल है वो तो देखो भाई साहब हाँ, ये देखो प्योर केसर का इसमें स्प्रिंकल करेंगे केसर। ये देखिए क्या बात, ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो आपको जोधाना स्वीट्स पाना पड़ेगा। देखिए क्या बात है, क्वालिटी देखो और ज़बरदस्त। एक फ़ोटो ले लो भाई साहब का फ़ोटो। ये देखिए जोधाना स्वीट्स की, ये देखिए मखानिया लस्सी हाँ भाई साहब, जोधपुर की ये अपने जोधाना स्वीट की स्पेशल लस्सी है। हाँ जी भाई साहब, इसकी विशेषता ये है कि शुगर वाला भी खा सकता है। अच्छा, एकदम लाइट शुगर है हाँ। और प्योर क्रीम मिल्क में बनती है। अच्छा। और गाय के मिल्क से बनती है हाँ। और इसके अंदर मक्खन केसर पिस्ता ड्राई फ्रूट बादाम और
अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं आपने यूज किया इसमें बिल्कुल। और रही दूसरी बात, ये नेचुरल माटी के अंदर ही दही बना के उसके अंदर अच्छा। उसके अंदर ही दही बना के और माटी के अंदर ही रखते हैं हम। हाँ तो मतलब तो जो फ्लेवर जो मिट्टी के फ्लेवर है वो भी जो, क्योंकि दही का मजा तो उसी में आता है ना। ये नेचुरल लस्सी है और नेचुरली ठंडक रहती है और सबसे बड़ी ठंडक रहती है। और आपने बताया कि इसको शुगर वाले पेशेंट भी खा सकते हैं। एकदम चिल्ड है तो यार। ये देखिए ये कितने की पड़ेगी? मात्र 50 रुपए में। देखो साइज देखो यार, वाला मतलब फैन बन जाएगा, गज हो जाएगा। आपने जैसे जोधपुर में खा लेगा वो भले हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, जब भी जोधपुर आएगा इस लस्सी को याद। अरे भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग भी इसको ट्राई करेंगे। देखिए इनका केसरी लस्सी है और क्या जबरदस्त फ्लेवर आएंगे। ओरिजिनल बेबी ब्रांड की केसर। हाँ मैं देखा ना, बेबी ब्रांड की जो केसर होती है वो बेस्ट होती है। तो चलिए केसर की जो लस्सी ये भी ट्राई करते हैं और फिर हम लोग बाहर चलेंगे इनके छोले भटूरे भी ट्राई। मखाने केसरी लस्सी है उसकी, ये देखिए ऊपर से इन्होंने केसर की इसमें गार्निशिंग की है, साथ साथ में ड्राई फ्रूट्स है और बहुत सारा मक्खन भी है। देखिए इसको ट्राई करते हैं। वाकई में यार ज़बरदस्त, जैसे भाई साहब ने बताया था बहुत ही कम ये मीठी है, क्योंकि मीठी लस्सी होती है फिर मज़ा नहीं आता। सारे फ्लेवर्स मेरे मुँह में आ रहे हैं, केसर का आ रहा है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो सब, और मक्खन के साथ में तो वाकई में ज़बरदस्त लग रही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसे वीडियो और भी देखने तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ पे आके ये लस्सी ज़रूर ट्राई करें। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद बात चलते हैं और उनके फास्ट फूड ट्राई करते हैं। तो बस हम लोग पहले हमारे छोले भटूरे भी ट्राई करेंगे। देखिए ये एक प्लेट में कितना आएंगे भाई साहब? दो पीस आएंगे। ये देखिए तो ये इनके छोले भटूरे भी आप ट्राई करके देखिए, कितना लाइवली है माशाल्लाह। यहाँ पे काउंटर्स इनके हैं और काफ़ी पब्लिक आई हुई है। हम लोग लोग स्पेशली तो इनके वो रोलर कोस्टर आइसक्रीम ट्राई करने आए थे, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई किया हूँ। ये देखिए इनके जो छोले भटूरे के जो भटूरे हैं वो भी इन्होंने इसमें क्या क्या कटिंग है वैसा, इसमें पुदीना है क्या? हाँ अच्छा, कस्तूरी मेथी रहती है। और ये भाई साहब हमारे जो थाल है वो रेडी करके आएंगे भाई साहब? फ्राई आलू है ये। वे आलू भी देंगे आप? मतलब ये पूरा सेट बना के देते हैं आप? हाँ क्या बात है, दिल्ली स्टाइल में दे रहे हैं। ये अचार, मिर्ची, प्याज और ये छोले। चले भाई साहब, मतलब ये पूरा वही वो वाला ही टेस्ट मिलेगा आपने? क्या बात है। उस ये देखिए ये देखो जबरदस्त भटूरे फ्राई हो रहे हैं हमारे। आए हाय क्या बात, नाच रहे थे यार गर्मा गर्मा तेल में। ये देखिए जबरदस्त। मैंने इतनी जगह जोधपुर में छोले भटूरे खाए, लेकिन ये जो ड्राई आलू साथ में दे रहे हैं ना, ये मैंने कहीं भी नहीं खाई। कितने की प्लेट है भाई साहब? 100 रुपीज़ के अंदर ये पूरा जो कॉम्बो है 100 रुपीज़ का है। वो देखिए ये देखिए एक बार हमारा छोला भटूरा हो रहा है, पूरा फूल गया यार क्या बात है, जबरदस्त। ये देखिए चलिए हमारा ये भटूरा भी रेडी है, अब इसको इसमें डालेंगे। चलिए दोनों भटूरे रेडी। ये देखिए ये हमारे कस्तूरी मेथी के स्टफ स्पेशल दिल्ली वाले छोले भटूरे। चलिए इसको ट्राई करते हैं, साहब फोटो खींचते हैं पहले। छोले भटूरे वो हमारे सामने और ये आपको जोधपुर में और कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये दिल्ली वाले स्टाइल के हैं। जैसे इन्होंने ये साथ में ये ड्राई आलू दिए हैं और ये जो भटूरे हैं इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड की है। चलिए इसको ट्राई करते हैं हम लोग सबसे पहले। छोले बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं यार, इसमें इन्होंने आखी मिर्ची भी डाली है तो उससे और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। क्या करते हैं एक नंबर यार, ड्राई आलू प्रॉपरली इन्होंने इसको बॉईल किया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है।
और साथ साथ में इनकी जो मिर्ची वो भी ट्राई करता हूँ यार, स्टफ मिर्ची देखिए, ये हरी मिर्ची का जो अचार है वो है, उसके साथ मैंने दो टाइप का अचार दिया हमको, देखो एक तो उनको कैरी का अचार है, एक मिर्ची का अचार है। वाकई में यार मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई की है, लस्सी और सब कुछ एक नंबर है। चलिए उसको पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ से बनाऊँ या यहाँ से बन जाएंगे अपन? कि हमारी गर्मा गर्म आलू टिक्की रेडी हो रही है। एक प्लेट में कितना आएगी भाई साहब? दो पीस। इसमें क्या जाएंगे, छोले भी जाएंगे इसमें? हाँ। ये देखिए क्या बात है, ये मीठी चटनी, हरी चटनी, दही भी डालना, दही दही कहाँ जाएगी इसमें? नहीं दही होगी ना? हाँ दही कहाँ जाएगी इसमें? ये देखिए ये जो बीट रूट होती है उसकी कटिंग, क्या बात है। चलिए साहब थैंक यू भाई, ये भी ट्राई किया, अब इनकी बारी है, शुद्ध देसी घी में इनकी जो आलू की टिक्की है वो हम लोग ट्राई करेंगे। ये देखिए अच्छा यार वाकई में ज़बरदस्त बनी। सबसे बड़ी बात इनकी जो आलू टिक्की है वो काफ़ी क्रिस्पी है, और साथ साथ में इन्होंने पनीर भी यूज़ किया, देखिए ये पनीर की कटिंग है, और ऊपर से इन्होंने छोले, इनके छोले जो तुमने वैसे भी ट्राई किए थे उसके साथ में, क्या छोले भटूरे के साथ में, लेकिन आलू टिक्की के साथ में और भी ज़बरदस्त लग रहे हैं। चलिए ये पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग दो तीन चीज़ें और ट्राई करेंगे और फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। लोगों ने ये सब चीज़ें ट्राई कर लिया, देखिए इनकी रोलर कोस्टर आइसक्रीम, अंदर इसमें बर्फ है, और ये सिर्फ आपको जोधपुर में एक ही जगह मिलेगी। अब देखिए इसमें केला लग करेंगे, केला डालेंगे इसमें, देखिए देखिए ये देखिए क्या बात है, क्या बात है भाई साहब ज़बरदस्त। ये चीज़ आपको ट्राई करनी है तो आपको जोधाना स्वीट्स खाना पड़ेगा, एकदम प्योर फ्रेश नेचुरल केला यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तो आते नहीं है, मतलब नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए क्या बात है। देखिए पपाया, फ्रेश पपाया, ये देखिए ये पूरा इसमें इन्होंने रब कर दिया, बनाना चला गया, पपाया चला गया, क्या बात है। ये देखिए ये वेस्ट, मैंने कहा आप मौसमी की बारी है, ये देखिए क्या बात है भाई साहब, दिल खुश कर दिया आपने तो। ये ऑरेंज की ऐसी खुशबू आ रही है यार, मज़ेदार भाई साहब, ये क्लिप तो बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है यार। ये देखिए ये क्या भाई साहब? आम का जूस, हाय हाय हाय, आम चला गया इसमें, इसमें बनाना चले गए, पपाया चला गया, ऑरेंज चली गई, ये आम का जूस भी चला गया भाई, लेयर्स पे लेयर्स है, हाँ सारी जो फ्लेवर्स है ना सारा काम लेयर्स का है, और एक आदमी यहाँ मोबाइल से घुमा ही रहा है उसको, देखो हैं ठीक है जरा भाई साहब, रबड़ी रबड़ी, अब रबड़ी की बारी है भाई, ये देखिए क्या बात है यार। तो कमेंट बॉक्स के मैं ज़रूर बताएं कि जो नीचे वाली जो लेयर है वो कौन सी है, उसके ऊपर कौन सी है, उसके ऊपर कौन सी है, तो मैं आपका एक कमेंट का वेट करूंगा कि आपने कितना गौर से वीडियो देखा है। ये क्या भाई साहब? सिरप, सिरप जा रहा है, देखिए
ये देखिए ये क्या भाई साहब, ये रोज 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 जा रहा है। देखिए पहले किसका था, सिरप था, अच्छा अभी रोज का फ्लेवर जा रहा है। अब बनते हुए हमने आपको बता दिया है, अब हम लोग इसकी कटिंग करते हुए दिखाएंगे भाई साहब। एक उजमा एक लिया ना, टोकन लिया उससे आइसक्रीम का। ये देखिए अब इसकी कटिंग हो रही है, देखिए क्या बात है, हम लोग इसी के लिए आए थे। ये हमारी आइसक्रीम रेडी है। लास्ट में इनकी जिसके लिए हम लोग आए थे यहाँ पे रोलर कोस्टर आइसक्रीम, वो ट्राई करते हैं आपको पूरी हमने बनते हुए बताई है। और इसमें एकदम फ्रेश फ्रूट भी, फ्रूट इन्होंने यूज किए और साथ साथ में रोज का फ्लेवर भी है और रबड़ी भी यार। ये देखिए ट्राई करते हैं, वाकई में जबरदस्त फ्लेवर्स आ रहे हैं यार। क्योंकि मुझे क्या फ्रूट की आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद होती है और पसंद है तो हम लोगों ने यहाँ पे भी फ्रूट की आइसक्रीम बहुत जबरदस्त मुझे लगी। साथ पहले सबसे पहले इन्होंने इसमें फ्रूट डाला है, पपाया डाला, उसके बाद केला है, केला पहले पपाया, ऑरेंज और उसके बाद फिर मैंगो के भी फ्लेवर थे, उससे इसका और ज़्यादा टेस्ट आ गया। और लास्ट में इन्होंने जो गार्निशिंग की है वो रोज़ से की है, उससे और इसका फ्लेवर बढ़ गया। चलिए बस इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।